हेल दोस्तों तो, तो रियल मी सी सीरीज में आज तीन नए फोन लॉन्च हो गए हैं मेरे पास यहाँ पे आ गया है रियलमी सी ट्वेंटी जो मुझे लगता है सबसे सस्ता रियलमी फोन है पिछले एक दो सालों में तो आज करके देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग देखते हैं अंदर क्या क्या मसाला में मिल रहा है अगर आप ये फोन खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले बॉक्स कॉन्टेंट्स की बात कर लेते हैं तो केस हमें यहाँ पे बॉक्स में नहीं मिलता है फोन को हटा के साइड में रख देते हैं अंदर हमें मिलता है एक चार्जर और ये दस वॉट का चार्जर है साथ में हमें चार्जिंग केबल मिलती है और ये माइक्रो यूएसबी केबल है तो ये है Realme C20 ट्वेंटी अब स्टार्ट करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन से तो यहाँ पे अभी एक काफी बार हम देख चुके हैं Realme के फोन में डिजाइन प्लास्टिक बैक आपको मिलती है हल्की सी यहाँ पे टेक्सचर्ड फिनिश है तो फिंगर वगैरह यहाँ पे नहीं लगेंगे स्क्रैच भी यहाँ पे नहीं पड़ने चाहिए ऊपर की साइड हमें ये स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल मिल रहा है लेकिन इसके अंदर एक्चुअली कैमरा सिर्फ एक ही है साइड में हमें रियलमी की ब्रांडिंग मिल जाती है और यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाता है स्पीकर यहाँ पे नीचे की साइड नहीं है नीचे आपको माइक्रोवेजी पोर्ट हेडफोन जैक और माइक मिल रहा है राइट साइड पे पावर बटन वॉल्यूम रॉकर है ऊपर की साइड एकदम बंजर है और लेफ्ट साइड पे है

की स्क्रीन है ये फुल एजनी यहाँ पे नहीं मिलती है हमें लेकिन एक चीज मुझे अच्छी लगती है यहाँ पे कि रियलमी अच्छी ब्राइटनेस की स्क्रीन यूज करता है फोर फिफ्टी मिनट तक यहाँ पे पीक टच हो जाती है और आउटडोर में भी यूज करोगे तो आपको आराम से दिख जाएगी हाँ बस एक चीज है यहाँ पे व्यूइंग एंगल्स उतने अच्छे नहीं है हल्का सा भी आप साइड से देखोगे तो एकदम डार्क हो जाती है स्क्रीन अब स्पीकर पीछे होने का नुकसान यही होता है कि अगर आप ऐसे फ्लैट कहीं पे रख के कुछ सुनोगे या फिर अगर आप ऐसे पकड़ के सुनोगे तो आवाज़ थोड़ा दूर को जाती है तो उतना अच्छे से नहीं आती है तो यहाँ पे आपको कुछ सुनने के लिए अपने हाथ को ऐसे रख के सुनना पड़ेगा तभी आपको अच्छी आवाज़ आएगी तो यहाँ पे आप मान लो मूवी देखनी हो गाने सुनने हो तो हेडफोन जैक का यूज़ करना पड़ेगा इससे इस हैं इंटरनल्स पे तो यहाँ पे दो रैम हमें मिलती है बत्तीस की स्टोरेज है बत्तीस जीबी में से आप समझ लो लगभग बीस जीबी आपको बस अवेलेबल होगी चलो प्रोसेसर जो यहाँ पे है थर्टी G35 है इसका डिटेल में अगर आपको गेमिंग टेस्ट वगैरह देखना है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा पर नॉर्मल यूज के हिसाब से बताऊं तो ठीक है प्रोसेसर ऐसी ज्यादा कुछ दिक्कत आपको नहीं होगी हालांकि एप्स वगैरह लोड करने में इसको एक से दो सेकेंड तक लग जाता है कई बार पर अभी ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं ज्यादा क्योंकि इस प्राइस रेंज में ज्यादातर जो फोन है सब में ही हमें मिल रहा है गेमिंग की बात करते हैं तो कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम आप सिर्फ लोएस्ट सेटिंग पे चला पाओगे लेकिन हाँ आप सब्वे सर्फर टेम्पल रन ये सब आराम से खेल सकते हो पफर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे अभी भी एंड्रॉइड 10 मिलता है उसके ऊपर से है रियलमी यू आई वन ये हम काफी सारे फोन में देख चुके हैं भाई बढ़िया सॉफ्टवेयर स्किन है सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं डार्क मोड है थीम स्टोर स्क्रीन रिकॉर्डर ये सब मिल जाएगा ब्लूटवेयर की बात करते हैं तो ज्यादा कुछ यहाँ पहले से इंस्टॉल नहीं मिलता है रियलमी की अपनी एप्स है और एक ये बस हे फन नाम की ऐप है इसके अलावा आप सारे नए रियलमी के फोन की तरह यहाँ पे भी हमें गूगल का ही

एक दो सेकंड का टाइम लग जाता है इसे अनलॉक करने में पर ठीक है एक्यूरेसी अच्छी है नेक्स्ट जाते हैं बैटरी लाइफ पे तो यहाँ पांच हजार एम की बैटरी है और ये मतलब सेम ही है जो हमें रियलमी सी इलेवन सी वगैरह में मिली थी उनका बैटरी टेस्ट मैंने ऑलरेडी किया था वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा चार्जर यहाँ पे हमें 10 वॉट का मिलता है और माइक्रो यूएसबी पोर्ट यहाँ पे दिया है ये एक और चीज शायद बेटर करी जा सकती थी ऑलरेडी हमें टाइप सी पोर्ट मिलने लगे हैं इस प्राइस रेंज में भी इससे रहते हैं फाइनल चीज पे जो है कैमरा तो यहाँ पे काफी सिंपल रखा है मामला सिंगल कैमरा हमें यहाँ पे मिलता है आठ मेगा है पीछे पांच मेगा का सेल्फी कैमरा है स्पेक्स से आपको समझ आ रहा होगा ज़्यादा कुछ हाई एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी है यहाँ पे कैमरा पे लेकिन अच्छी लाइटिंग में आउटडोर्स में आपको अच्छी खासी फोटोज़ यहाँ से मिल जाती हैं रियल की कलर प्रोसेसिंग इतना तो काम कर ही लेती है कि आपको ऊपर से अच्छी दिखने वाली फ़ोटो दे देती है इसके अलावा आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड वगैरह भी मिल जाता है सेल्फीज़ हालांकि यहाँ पे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है इंडोर लाइटिंग में थोड़ी सी सॉफ़्ट डिटेल्स आती हैं और लो लाइट में परफॉर्मेंस और ख़राब हो जाता है नाइट मोड हमें वैसे यहाँ पे मिल रहा है लेकिन नाइट मोड से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है फोटो पे और अब वीडियो सैंपल आप देख सकते हो रियर कैमरा से यहाँ पे हम 1080p ई टी तक मैक्सिमम शूट कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कैसे डिटेल्स आ रहे हैं कलर्स वगैरह तो मुझे सही लग रहे हैं वैसे यहाँ पे स्क्रीन पे देख के डायनेमिक रेंज ऑब्वियसली उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है एकदम सूरज के सामने थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए लग रहा है और अब फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग सैम्पल आप देख सकते हो यहाँ पर फिर से टेन ई टी तक हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा लाल कर दिया इसने मेरी स्किन पर उसके अलावा सही लग रही है कलर्स वगैरह मुझे अच्छे लग रहे हैं ये था Realme C20 के साथ मेरा एक्सपीरियंस अभी वीडियो रिकॉर्ड करने तक मुझे इसका फाइनल प्राइस नहीं पता है लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसका प्राइस 7000 होना चाहिए और 7000 प्राइस के अराउंड दो अच्छे ऑप्शन हैं हमारे पास माइक्रोमैक्स का इन वन बी है और पोको C3 थ्री है अब उन दोनों का मैंने डिटेल कंपेरिजन किया हुआ है कैमरा टेस्ट स्पीड टेस्ट सब कुछ वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा पोको सी तो चलो साढ़े से स्टार्ट है लेकिन इन वन बी की अगर मैं बात करू उसका भी टू जी बी थर्टी टू जी बी मॉडल आपको सात हज़ार का मिल जाता है वहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है वहाँ पे आपको डुअल बैंड वाईफाई मिल जाता है थर्टीन मेगापिक्सल का प्राइमरी है वहाँ पे डेप्थ सेंसर भी है एक उसके अलावा बाकी प्रोसेसर स्क्रीन बैटरी वो सब तो सेम सही है अगर आप मुझे बताना अगर आप फुल कंपेरिजन देखना चाहते हो रियल मी सी का पोको सी थ्री या माइक्रोमैक्स इन के साथ अभी पर इस वीडियो के लिए इतना ही कैसा लगा ये प्रोडक्ट और कुछ सवाल अगर आपके मन में हो नीचे कॉमेंट छोड़ दो या फिर मेरे ट्विटर पर आकर आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो मैं बोलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए